बीएफआई जैसे दुर्दांत देशद्रोही संगठन को एक ही रात में प्रतिबंधित कर मोदी जी ने बची कुछ ही संभावनाएं भी जो थी देश में आतंकवाद को जिंदा करने की, उसको समाप्त करने का काम ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, मैं यहां आया हूं तब आदिवासी क्षेत्र है, अभी अभी मैं आ रहा था तब मुझे ये प्रहलाद जी है ना, थोड़े विचित्र प्रकार के नेता है, जो हो गया इसकी बात नहीं करेंगे, नहीं हुआ है उसकी उगाही करेंगे, मगर आप लोगों के लिए करते हैं। उन्होंने मुझे बताया, अमित भाई महादेवपुरी कोल माइंस की तो परमिशन दे दी है, अभी और दो बाकी है। मैंने उनको बताया ये महादेवपुरी कोल माइंस की परमिशन भी नरेंद्र मोदी जी ने दी है, और चुनाव समाप्त हो जाने जो ये जो बचा कुचा है ना, उसी को भी हम समाप्त कर देंगे। मित्र, मोदी जी ने आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए ढेर सारे काम किए। पहले जल जंगल और जमीन की बात होती थी, अब जल जंगल और जमीन के साथ सुरक्षा सम्मान और समावेशी विकास की बात होती। भारतीय जनता पार्टी का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है आदिवासी कल्याण का। अटल जी ने आजादी के कई सालों के बाद सबसे पहले आदिवासी कल्याण मंत्रालय बनाया, जनजाति आयोग का गठन किया, और मोदी जी ने 23 से ज्यादा जनजातियों को आदिवासियों की सूची में जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। चाहे रानी दुर्गावती हो, चाहे तात्या भील हो, चाहे शंकर शाह रघुनाथ शाह हो, ये हमारे आदिवासी स्वतंत्र सेनानियों की स्मृति में मोदी जी ने देश भर में 10 आदिवासी स्वतंत्र सेनानियों का म्यूजियम बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और भाइयों बहनों, मैं आज बताना चाहता हूं कि 70 साल तक कभी भी देश के राष्ट्रपति की कुर्सी पर कोई आदिवासी भाई या बहन नहीं बैठ पाया था। मोदी जी ने ओडिशा के गरीब घर में जन्मी हुई आदिवासी बहन द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर समग्र आदिवासी समाज का सम्मान किया है। बिरसा मुंडा की जयंती के दिन आदि जाति गौरव दिन मनाया, और एक कांग्रेस वाले कहते हैं आपने आदिवासियों के लिए क्या किया। अरे भाई कमलनाथ, आपके पास कोई हिसाब किताब नहीं अभी मैं देता हूं, मगर एक बात समझ लो, इस देश की आदिवासी जनता हमें बहुत अच्छे से जानती है, इसलिए सबसे ज्यादा ट्राइबल अगर किसी एक पार्टी के पास है तो कौन सी पार्टी के पास है भाई, बोलो तो जरा जोर से, भाजपा के पास है। किसके पास है सबसे ज्यादा विधायक, किसके पास है सबसे ज्यादा मंत्री, किसके पास है? देश के आदिवासियों ने मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को बार बार आशीर्वाद दिया है, और शिवराज जी चौहान ने भी यहां आदिवासी कल्याण के लिए ढेर सारा काम किया। उन्होंने 100 करोड़ रुपए की लागत से रानी दुर्गावती की स्मारक बनाना का काम किया, शंकर शाह रघुनाथ शाह की स्मृति में स्मारक का निर्माण चालू हो चुका है, छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय रखने का काम भी हमारे शिवराज सिंह चौहान ने किया। हबीबगंज रेलवे स्टेशन को मोदी जी ने रानी कमलापति स्टेशन बनाया, पातालपानी स्टेशन को टाटिया भील के नाम के साथ जोड़ा, और जननायक टाटिया भील की स्मृति में खंडवा में
एक विशाल स्मारक बनाने का काम किया। ये हमारे कांग्रेस ने भी जिनको दूल्हा बनाया है, कमलनाथ जी पूछते रहते हैं कि ट्राइबलों के लिए क्या करा। माताओं भाइयों बहनों, 2013-14 में कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, और देश में ट्राइबल कल्याण के लिए कांग्रेस सरकार 29,000 रुपया खर्च करती थी। जरा ध्यान से सुनिए, कितना? 29,000 रुपया। आप बोलिए तो कितना, जोर से बोलो भाई, 29,000। अब नरेंद्र मोदी सरकार 29,000 से बढ़ाकर 1,38,000 करोड़ रुपया हमारे आदिवासियों के लिए खर्च करी। और इसके साथ साथ एकलव्य विद्यालय कांग्रेस वाले 70 साल में 90 छोड़कर गए थे, 9 साल में 90 से 740 विद्यालय बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और ये तो खदान का क्षेत्र है, खदान के क्षेत्र के विकास के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बनाया, जो मिनरल नीचे से निकलता है उसका एक बड़ा हिस्सा जिले की योजनाओं के लिए आज खर्च होने लगा है, और देश भर में 75,000 करोड़ रुपया देश के आदिवासियों के लिए किया है। मित्रों, हमारे यहां कहते हैं ना, तीन परिवारों का यहां बोलबाला है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में गांधी परिवार, कमलनाथ परिवार और दिग्विजय बंटाधार परिवार, ये तीन परिवार कांग्रेस पार्टी चलाते हैं। और जहां तीन तिगड़ा होता है ना, वहां काम बिगड़ जाता है। हमारे गुजरात में कहावत है, तीन तिगड़ा काम बिगड़ा। और यहां पर क्या होता है, आदेश गांधी परिवार का चलता है, निर्देश कमलनाथ का चलता है, और जब गलती होती है तो चाटा बिचारे बंटाधार दिग्विजय के गाल पर ठोक देते हैं। और इसीलिए आज पूरे मध्य प्रदेश में जहां जिले में, जिस जिले में जाते हैं, ये दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के लोग एक दूसरे के कपड़े फाड़ने पर उतारू हो गए हैं। मुझे बताओ भाई, जिस पार्टी में ही एकता न हो वो पार्टी मध्य प्रदेश का भला कर सकती है क्या? जोर से बोलिए, कर सकती है क्या? जो परिवार के लिए राजनीति में है वो मध्य प्रदेश और देश का भला नहीं कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी परिवार के लिए राजनीति के लिए नहीं है, वो गरीब कल्याण के लिए राजनीति में है और गरीबों के कल्याण की सरकार चला रहे हैं। और मित्रों, इसीलिए आज आप 9 साल का रिकॉर्ड देखिए मोदी जी का, सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करता हूं, 9 साल में 93,00,000 किसानों को मोदी जी और शिवराज जी 12,000 रुपया प्रति साल दे रहे हैं और 21,000 करोड़ रुपया सीधा किसान के बैंक अकाउंट में डालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। लगभग 3,70,00,000 लोगों को 5,00,000 तक का स्वास्थ्य का कोई खर्चा नहीं करने पड़ा है। 80,00,000 गरीब परिवारों में शौचालय बनाकर माताओं और बहनों को सम्मानित करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। छत्तीसगढ़ की 5 करोड़ की जनता को प्रति माह, प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और 82,00,000 बहनों को उज्ज्वला का कनेक्शन देने का काम किया है। 45,00,000 गरीबों को घर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कमलनाथ बाबू, अगर हिम्मत है उसके 10% भी कुछ कांग्रेस ने 50 साल में करा है, तो जरा मध्य प्रदेश की जनता को बताना। आप चौराहा तय कर लो, हमारे मध्य प्रदेश के युवा मोर्चा का अध्यक्ष आपके साथ चर्चा करने के लिए तैयार है, गरीबों के लिए
कांग्रेस ने क्या करा और भाजपा ने क्या करा। माताओं भाइयों बहनों, ये परिवारवाद थोपने वाली पार्टी कभी देश का भला नहीं कर सकती। बीच में एक समय कुछ जातिवादी आंदोलन की परछाई में कांग्रेस की सरकार बन गई, एक कमलनाथ की सरकार देखी है आपने। पहले तो अकेले दिग्विजय सिंह लूट मचाते थे, अब कमलनाथ और दिग्विजय दोनों ने लूट मचाया और ढेर सारे भ्रष्टाचार, मोजर बेयर घोटाला 350 करोड़, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला 2400 करोड़, इपको फर्टिलाइजर घोटाला 600 करोड़, किसान कर्ज माफी का घोटाला 25,000 करोड़ रुपया, गेहूं बोनस का घोटाला 1,178 करोड़। ये सारे घोटाले सिर्फ कमलनाथ जी से जुड़े हुए हैं। अब वो फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये जब से भाजपा की सरकार बनी तब से लेकर अब तक ये बंटा धार को ब्यूटीफुल मध्य प्रदेश बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और बीमारू राज्य मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। माताओं भाइयों बहनों, केंद्र सरकार ने ढेर सारा पैसा मध्य प्रदेश के लिए दिया है, लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपया सिर्फ डिवोल्यूशन ग्रांट और ग्रांट इन एड में दिया है। इसके साथ 12 लाख करोड़ रुपया के अलग अलग प्रोजेक्ट देने का काम किया है। मित्रों, आज समय की थोड़ी कमी है, मगर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आपका आशीर्वाद मध्य प्रदेश को आगे ले जाने का काम करेगा। आपका आशीर्वाद मध्य प्रदेश को संपूर्ण विकसित राज्य बनाने का काम करेगा। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। उस वक्त मध्य प्रदेश में डबल इंजन सरकार चाहिए। मुझे बताओ, कमलनाथ की सरकार बनी तो मोदी जी की योजनाओं को नीचे ले जाएंगे क्या? ले जाएंगे, बंद कर देंगे सारा। उन्होंने किसानों की सूची नहीं भेजी थी, बंद कर दिया था। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो यहां भाजपा के मुख्यमंत्री और ऊपर नरेंद्र मोदी जी दोनों मिलकर मध्य प्रदेश के बचे कुछ सारे काम समाप्त कर देंगे। जैसे आपकी दो खदानें बच गई है, ऐसे सारे काम समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बताए। मुझे बताओ भाई, भाजपा के आगे आ जाओ सारे प्रत्याशियों, भाई सारे प्रत्याशियों को वोट दोगे क्या? आप जरा जोर से बोलो, हाथ ऊपर कर बोलिए, वोट देंगे, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे, मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार बनाएंगे, 24 में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। अमित शाह मंच पर आज मौजूद थे, तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई, संकल्प दिलवाया गया है मध्य प्रदेश की जनता को। छिंदवाड़ा में कांग्रेस से ऊपर भाजपा को रखेंगे, ये वादा दिलवाया है और ये भी जनता से कहा है कि जितने भी वादे अलग अलग नेताओं ने अलग अलग मंचों से किए उनको पूरा करने का वादा एक साथ मध्य प्रदेश बीजेपी की तरफ से अमित शाह खुद करते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री की भी बातों का जिक्र, उनकी तरफ से भी जितने कल्याणकारी काम हुए हैं उनको भी लगातार इस मंच से गिनाते हैं। खास बात यह है कि अमित शाह छिंदवाड़ा में आज पहुंचे थे, कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है छिंदवाड़ा को। कमलनाथ अच्छा खासा
जनसमर्थन यहां से पाते हैं, और उसी दौरान उसी मंच से अमित शाह का कमलनाथ के खिलाफ बोलना, कमलनाथ और दिग्विजय के बीच जितने भी मसले फिलहाल चलते आ रहे हैं उनको लेकर भी तंज कसा है। यह भी कहा है कि दोनों के बीच, दोनों के समर्थकों के बीच भी अच्छी खासी नहीं बनती है। एक तरफ विपक्ष पर निशाना, दूसरी तरफ वो वादे एक बार फिर से गिनाए हैं अमित शाह ने, जो कि आने वाले समय में मध्यप्रदेश बीजेपी की तरफ से सौगात के तौर पर मध्यप्रदेश की जनता को दिए जाने हैं। कुल